और अपने ही बचपन से इंस्पायर होकर ही स्टार्टेड हेल्थ राइट फाउंडेशन इन 2019 टू एंपावर वुमेन एंड चिल्ड्रन सपोर्ट द एजेड एंड हेल्प दोज हु कैन नॉट हेल्प देमसेल्व्स हिज मंत्रा इज आवर लिटिल टाइम कैन चेंज समवन एल्सस लाइफ वाओ हाउ ब्यूटीफुल इज दैट प्लीज वेलकम तरुण मिश्रा कहते हैं आपका थोड़ा सा समय किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। इसी के साथ मैंने ये शुरुआत किया था और काफ़ी कम रूम से कहते परिवार की जिम्मेदारी के साथ जब मैं 13 साल का था तो सोनी नगर मार्केट दिल्ली में फुटपाथ पे बुक सेल करता था अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। वो मेरा कोई मतलब रोने वाला या कोई बुरा टाइम नहीं था, मुझे लगता था यही जिंदगी है और बहुत खुश था मैं उस टाइम के। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ा कॉलेज में एडमिशन हुआ लेकिन रहने की जगह नहीं थी तो मैं खुद एक शेल्टर होम में रहा और शेल्टर होम में रह के जब मैं लोगों के बीच में रहा तो मुझे लगा कि मुझे इनके लिए भी कुछ करना चाहिए। उसके बाद मैंने इन होमलेस लोगों पे काम करना शुरू किया। आज तक मैंने 3000 से ज़्यादा रेस्क्यू किए हैं। अभी रिसेंटली मैंने सेंटा क्रूज में लेडीज का रेस्क्यू किया था जो मेंटली इल थी और काफ़ी लोग उनके साथ गलत करते थे लेकिन जब मुझे कॉल आया तो काफ़ी चैलेंजिंग रेस्क्यू था। मैंने मुंबई पुलिस की हेल्प ली और वो मारने के लिए आ रहे थे तो लोग डर रहे थे। मैंने कहा ये मारते नहीं है, ये बस अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि रोड पे रह के जो जिंदगी हम बिताते हैं तो वहाँ पे काफ़ी रिस्क होता है, काफ़ी लोग आते हैं कुछ गलत करते हैं कुछ छीन के ले जाते हैं तो वो लोग अपना एक प्रोटेक्शन जोन बनाते हैं कि कैसे हम बस डराएं वो कभी हिट नहीं करेंगे। तो उनको अच्छे से लेके आया और अच्छे से रखा, आज वो बहुत अच्छी है। ऐसे काफ़ी बुजुर्ग काफ़ी लोगों को रोड से रेस्क्यू करके सेंटर होम में रखना, आज 22 सेंटर होम है मेरे गुजरात और मुंबई के अंदर और वहाँ पे सीनियर सिटीजन बच्चे डिसेबल सभी लोगों को एक नई जिंदगी देने की कोशिश करता हूँ। काफ़ी लोग जिनके बच्चे छोड़ देते हैं उनको लाके प्यार और सम्मान, क्योंकि कहते हैं जो हम बुजुर्ग होते हैं तो हमें किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं होती, चाहे हमारे पास कितना ही पैसा हो कुछ भी हो, जब अपना शरीर साथ छोड़ता है तो हम अपने भी रिश्ते पे बोझ बन जाते हैं, तब हमें सिर्फ और सिर्फ सम्मान और रिस्पेक्ट की जरूरत होती है और कोई हमें सुन सके। हम परिवार से भी इतनी ही उम्मीद रखते हैं कि वो हमारी बात सुने, हमारे साथ बैठे। आज हम अपने बिजनेस शेड्यूल में कहीं ना कहीं वो अच्छे अटैचमेंट होते जा रहे हैं। कहते हैं एक मजदूर एक गरीब जो परिवार से इतना जुड़ा होता है जब वो सुनता है कि उसके गांव में उसकी मम्मी पापा बीमार है वो नौकरी छोड़ के भी भागा चला जाता है, लेकिन जब हम कहीं बिजी होते हैं तो हम सुनते हैं हमारे मम्मी पापा बीमार है तो हम अपने ड्राइवर को भेज देते हैं, हम किसी को भेज देते हैं, हम उनके साथ नहीं रहते। तो पर्सनल बॉन्डिंग खत्म होती जा रही है और हम लोग अपना जो भारत जो हमने बचपन से देखा है जो हमारे गाँव में बसता है वो कहीं ना कहीं हम खोते जा रहे हैं। तो हमारी एक छोटी सी मदद बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल सकती है। काफ़ी लोगों को सोशल मीडिया की मदद से परिवार तक पहुंचाया क्योंकि जब मैं रोड पर उनसे मिलता हूँ तो उनके पास सिर्फ उनका चेहरा होता है, ना उन्हें कुछ याद होता है ना कुछ पता होता है। हम पुलिस के पास भी जाएँ तो बिना आधार कार्ड बिना डॉक्यूमेंट उनकी फैमिली ढूंढना आसान नहीं होता है, लेकिन जब हम उनके वीडियोज़ को उनके चेहरे को सोशल मीडिया पर डालते हैं तो परिवार आपको किसी भी हाल में कितने भी साल बाद देखेगा तो पहचान जाएगा। अभी रिसेंटली एक 6 साल बाद परिवार मिला, उनके 3 बच्चे थे लेकिन वो मुंबई नाला से पाड़ा में पहाड़ पे नाले का पानी पी के और अकेले रहता था तो उसका फैमिली मिला, बच्चे बहुत खुश हुए। ऐसे हजारों कहानियाँ हैं तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा और थैंक यू बहुत सर। Thank you so much for doing this. Thank you, Amitabh, for doing the honors. Thank you, sir. Amitabh, welcome. Where there is a will, there is a way.